सोमा नामक ग्वाले की कहानी विक्रम सिंह को सुनाते हुए महात्मा जी कहने लगे कि जंगल में मिली वो गाय सोमा को बहुत प्रिय थी, क्योंकि उस गाय से सोमा का भाग्य जुड़ा हुआ था। जब से वह गाय सोमा अपने साथ लेकर आया था, तभी से उसके भाग्य ने चमत्कारिक तरीके से उसकी जिंदगी ही पलट कर रख दी थी। मात्र 2-3 गायों से अपने क्रय विक्रय का व्यापार करने वाला सोमा देखते ही देखते 150 गायों का मालिक बन गया। उस गाय के आने से पहले तक जो सोमा प्रत्येक गाय से बड़ी मुश्किल से केवल 20 से 25 रुपए तक का लाभ कमा पाता था, अब वही सोमा प्रत्येक गाय से 100 रुपए से 150 रुपए तक का लाभ कमाने लगा, जिसका प्रभाव उसकी आर्थिक स्थिति पर पड़ा और नतीजा यह निकला कि वह कम समय में ही धनी लोगों में अपनी गिनती करवाने लगा। उस गाय की एक और विशेष बात यह थी कि वो किसी को भी गलती से अपने नजदीक नहीं फटकने देती थी, और ना ही वो चारा खाती थी, और ना ही किसी को अपना दूध निकालने देती थी। दिन भर में एक समय भोजन करती है, और वह भी एक मनुष्य की तरह। आपको कैसे भी करके उस ग्वाले को तैयार करना होगा उस गाय को अपने साथ लाने के लिए, हे राजन, क्योंकि वही गाय आपको उस बौने तक पहुंचाएगी। अगर आपने ये कार्य कर लिया तो आपके लिए आगे का मार्ग बहुत सीमा तक आसान हो जाएगा। राजा विक्रम सिंह महात्मा की बात बड़े ध्यान से सुन रहे थे और उस कार्य को सफलतापूर्वक पूर्ण करने का आशीर्वाद मांगते हुए महात्मा जी से निकलने का वक्त पूछने लगे। महात्मा ने कहा, आपको तो मालूम है राजन, समय जितना कम है कार्य उतना ही कठिन है, इसलिए आपको इस कार्य के लिए शीघ्र अति शीघ्र निकलना होगा। राजा ने कहा, जो आज्ञा मुनिवर, मेरे ख्याल से समय के अभाव में मेरा इसी वक्त निकलना उचित होगा। महात्मा जी ने कहा कि हाँ, यही ठीक रहेगा। और महात्मा जी से आज्ञा लेकर राजा राजमाता का आशीर्वाद लेकर राजा अपने कार्य को अंजाम देने के लिए उसी क्षण निकल पड़ते हैं। इस कार्य को उन्हें अकेले ही अंजाम देना था, इसलिए उनका बिना किसी राजकीय साधन की सहायता के ही इस यात्रा पर निकलना उचित था। कुछ घंटे की यात्रा के बाद जब वह उस ग्वाले के यहाँ पहुंचे तो उस समय सारे लोग सोए हुए थे। इस वक्त सारे लोगों को निद्रावस्था में होना उनका काम और आसान कर रहा था। वह बिना किसी पदचाप का शोर किए हुए उस गौशाला में प्रवेश कर गए, जहाँ 150 गाय एक साथ बंधी हुई थी। अब इन 150 गायों में से उन्हें वह गाय ढूंढनी थी जिसकी चर्चा महात्मा जी ने राजा से की थी। राजा अपनी दृष्टि दौड़ाते दौड़ाते अचानक ही उनकी नजर में एक ऐसी गाय पर आकर ठहर जाती है जो उन्हें और गायों की अपेक्षा कुछ विशेष लग रही थी। वो उस गाय के नजदीक जाते हैं और जाकर शांत भाव से खड़े होकर उसके क्रियाकलापों को ध्यान पूर्वक देखने लगते हैं। उन्हें आश्चर्य होता है यह देखकर कि महात्मा जी के कहे अनुसार वह गाय उन्हें अपने नजदीक खड़े होने पर भी कुछ नहीं कह रही थी। इसके उलट वह विक्रम सिंह को हर्ष और स्नेह भरी नजरों से देख रही थी। विक्रम सिंह उसकी नजरों की भाषा पढ़ते ही आश्वस्त हो गए कि हो ना हो यही वह गाय है जिसकी विशेषताओं के बारे में महात्मा जी ने मुझे बताया है। आश्वस्त होने के बाद राजा ने जो गाय के कान तक अपना मुंह ले जाकर उसके कान में कुछ कहा कि जिसकी स्वीकृति का उन्हें इंतजार था। वह हाथ बांधे उसकी स्वीकृति की अपेक्षा की और उसकी ओर अपेक्षा भरी नजरों से देख रहे थे। उस वक्त उनके हर्ष की सीमा नहीं रही जब गाय ने उनकी कही बातों को अपनी स्वीकृति प्रदान करते हुए 3 बार अपना सिर हाँ में हिलाया। उसकी स्वीकृति के साथ ही यहाँ आने का उनका आधा कार्य पूर्ण हो चुका था। अब उन्हें प्रतीक्षा थी सुबह होने की, जब वो सोमा से मुलाकात करके उसे अपनी मनसा बताने वाले थे। वे गौशाला से बाहर निकल आए और वहीं बाहर बने एक चबूतरे पर बैठकर सुबह होने का इंतजार करने लगे। सूर्य की लालिमा के प्रकाश के साथ ही अब उनकी प्रतीक्षा भी समाप्त होने को थी। कुछ समय पश्चात उन्हें दूर से कोई व्यक्ति अपनी ओर आता दिखाई दिया। उसे देखकर उन्हें यह समझते देर नहीं लगी कि वही व्यक्ति सोमा ग्वाला ही है। उसका सोचना एकदम सही था, वो सोमा ही था। एक अजनबी को अपने घर के दरवाजे पर सुबह सुबह इस तरह बैठा हुआ देखकर सोमा के अंदर एक साथ कई सवाल उठ खड़े हुए। वह अपने अंदर उपजे इन्हीं सवालों का जवाब पाने के लिए राजा विक्रम सिंह से पूछता है कि आप कौन हैं, मित्रवर, और इतनी सुबह सुबह मेरे दरवाजे पर क्या कर रहे हैं। राजा ने कहा कि मैं एक क्रेता हूँ और आपके पास गाय खरीदने के प्रयोजन से आया हूँ।
मैंने सुना है आपके पास एक से बढ़कर एक अच्छी नस्ल की गायें हैं। तो सोमा कहता है, जी आपने सही सुना है, तो क्या आप मुझे अपनी गायों को दिखा सकते हैं, जिसमें मैं आसानी से यह निर्णय ले सकूं कि मेरे लिए कौन सी गाय लेना सबसे सही होगा। सोमा ने कहा कि जी अवश्य आइए मेरे साथ। कहते हुए सोमा ग्वाला विक्रम राजा को गौशाले की तरफ लेकर चला गया और प्रत्येक गायों की खूबियां गिनाने के साथ ही उनकी तरफ अपेक्षा भरी नजरों से देखता है, परंतु विक्रम सिंह को उसके दिखाए गए अब तक की गायों में से कोई भी गाय पसंद नहीं आई थी। आते आते अंत में वह उस गाय तक आकर रुक जाता है जिस गाय को लेना विक्रम सिंह का उद्देश्य था। उस गाय के नजदीक आने पर विक्रम सिंह ने उससे कहा कि यह गाय मुझे पसंद है, कृपया करके इसकी कीमत बताएं। विक्रम सिंह की बातों से ग्वाला बड़ी असमंजस में पड़ गया, क्योंकि उसे पता था कि यह गाय उसे विक्रम विक्रय बेच नहीं सकता है। तो उसने साफ तौर पर कह दिया कि यह गाय बेचने के लिए नहीं है, क्योंकि ये ना तो दूध देती है और ना ही किसी को अपने नज़दीक आने देती है। राजा ने कहा, परंतु मुझे तो यही गाय चाहिए। सोमा को आश्चर्य हो रहा था ये जानते हुए कि यह गाय दूध नहीं देती। आप इसे ही लेने की जिद क्यों कर रहे हैं? आप कोई दूसरी गाय ले सकते हैं, इस गाय को लेने में आपका कोई लाभ नहीं है। दूध तो छोड़िए, आप इसके नज़दीक भी नहीं जा सकते, इसलिए आप इसे लेने का विचार त्याग कर दूसरी गाय देख लीजिए। राजा ने कहा, परंतु भाई मुझे तो यही गाय पसंद आई है, मैंने आपसे कहा ना। सोमा ने कहा, यह गाय बेचने के लिए नहीं है, कृपया करके आप कोई और गाय देखें जो आपको अच्छा खासा दूध भी देगी और आपको अपने नज़दीक आने पर भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। अगर इसके नज़दीक जाने पर इसने मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, तो क्या आप मुझे गाय दे देंगे? सोमा ने कहा, कोशिश कर लीजिए, वैसे यह नामुमकिन है। विक्रम सिंह राजा कहने लगे। ग्वाले की बात पर वह मुस्कुराते हुए बिना किसी सफाई के उस गाय के नज़दीक जाकर उसके सिर पर हाथ रखकर उसे प्यार से सहलाने लगे। यह देखकर वो ग्वाला आश्चर्य में भर उठा। उसे विश्वास नहीं हुआ कि जो गाय अभी कल तक किसी को भी अपने नज़दीक नहीं आने दे रही थी, वही आज एक अजनबी को अपने सिर पर हाथ रखने से कुछ नहीं कर रही, यह कैसे संभव हो सकता है। इसी के साथ राजा विक्रम सिंह के समक्ष अपनी ही बातों पर वह अपने किए दावे पर लज्जित हो जाता है, परंतु ऐसा होने के बाद भी वह अपने पहली वाली बात पर ही अड़िग रहता है। राजा कहते हैं, जब देखते हैं कि वो ग्वाला अपनी बात पहले वाली बात पर ही अड़िग है और वह मान नहीं रहे, तो राजा एक युक्ति निकालते हैं और कहते हैं, देखिए मित्र, अगर आपने मुझे यह गाय दे दी तो मैं आपको इसकी मुँह मांगी रकम दूंगा। आप समझ नहीं रहे भाई, ग्वाला कहने लगा, दरअसल इस गाय का कोई मूल्य ही नहीं है, क्योंकि सारी गायों में से गाय यह मेरी सबसे प्रिय है। यह दूध भले ही नहीं देती, परंतु जब से मेरी जिंदगी में आई है मैंने कभी पीछे पलटकर नहीं देखा। अब आप ही बताइए, कोई अपनी सबसे प्रिय चीज की कीमत भला क्यों लगाने लगा? राजा ने कहा, मैं आपकी संभावनाएं समझ सकता हूँ, परंतु इस वक्त इस गाय की आपसे अधिक मुझे आवश्यकता है, क्योंकि आप चाहें तो मैं इस गाय के बदले सोने की 200 सरफी दे सकता हूँ। ग्वाला कहने लगा, नहीं भाई, मैंने आपसे कहा ना कि इस गाय की कोई कीमत नहीं है। राजा ने कहा, एक बार फिर सोच लो, मैं कीमत बढ़ा सकता हूँ। ग्वाला कहने लगा कि सोच लिया, आप कोई और गाय देख सकते हैं। राजा कहने लगा, परंतु मुझे तो यही गाय चाहिए, मैं आपको 200 सोने की असरफी देने को तैयार हूँ। अब जहाँ तक सोमा अपनी जिद पर अड़ा था, वहीं राजा विक्रम भी हार मानने को तैयार नहीं थे। सोमा कहने लगा, बंधुवर, आप बेकार में मेरे पीछे पड़े हैं, मैं अपनी यह गाय किसी को भी किसी कीमत पर नहीं दूंगा। राजा ने कहा, 500 सरफी पर भी नहीं? इस वाला जो ग्वाला विक्रम सिंह को ऊपर से नीचे की ओर देखते हुए विक्रम सिंह की वास्तविकता का अनुमान लगाने की कोशिश करता है। 500 सरफियों की बात सुनकर सोमा विचार करने पर विवश हो जाता है और वास्तविकता से अवगत कराने के पश्चात भी इस गाय की इतनी बड़ी कीमत लगाने वाला कोई साधारण इंसान तो नहीं हो सकता। मन में यह विचार आते ही वो विक्रम सिंह की सच्चाई जानने के लिए अधीर हो उठता है और कहता है कि सच सच बताइए कि आप कौन हैं और यहाँ किस प्रयोजन से आए हैं? वेशभूषा से तो आप साधारण मनुष्य लगते हैं,
परंतु आपके मुखमंडल की आभा बताती है आप किसी राजसी परिवार से ताल्लुक रखते हैं। इस वक्त आपको राजा ने कहा, मेरा परिचय जानना आवश्यक नहीं है मित्र, बल्कि आवश्यक यह है कि आप मेरे इस सौदे से राजी हैं कि नहीं। विक्रम सिंह के कहने के बाद भी वह ग्वाला अपनी बातों को लेकर जिद पर अड़ा रहा और कहता है, जब तक आप मुझे अपना असली परिचय नहीं दे देते मैं इस संबंध में आपसे कोई बात नहीं करूँगा। जब राजा ने देखा कि वो ग्वाला उसका परिचय जाने बगैर यह सौदा तय नहीं करेगा तो वे उससे कहते हैं, ठीक है, अगर आप मेरा परिचय जानना ही चाहते हैं तो सुनिए, मेरा नाम विक्रम सिंह है और मैं यहाँ किसी विशेष प्रयोजन से आया हूँ। अगर आप यह गाय मुझे दे देते हैं तो मेरा यहाँ आने का प्रयोजन सफल हो जाएगा और मैं आपका जीवन पर्यंत आभारी रहूँगा। विक्रम सिंह का नाम सुनते ही वो ग्वाला अचरज में भर उठता है, क्या नाम बताया आपने, ग्वाला दोबारा से पूछता है। तो राजा कहते हैं, विक्रम सिंह, कहीं आप अनंतपुर नगर के महाराज विक्रम सिंह तो नहीं। राजा कहते, अवश्य आपका परिचय यही होगा, आप राजा ही हैं। राजा ने कहा कि हाँ मैं वही हूँ। तो ग्वाला कहता है, अहो भाग्य हमारे कि अनंतपुर के महाराज मुझ जैसे गरीब के घर पधारे, मुझसे बड़ी भूल हो गई महाराज, मैं आपको पहचान नहीं पाया, क्षमा कर दीजिए, मैं आपकी क्या सेवा करूं, आप बैठिए। और वो खुशी और भावुकता के मिश्रित भाव से जो सरोबार होकर खाट बिछाते हुए बोला, हम तो धन्य हो गए महाराज, आपके कदम हमारी कुटिया पर पड़े, हम तो धन्य हो गए। अगर मुझे पहले से ही पता होता कि उस गाय को लेने वाले आप स्वयं हैं तो मैं आपको कभी भी मना नहीं करता, परंतु महाराज अगर आप बुरा ना माने तो कुछ चीज़ों को लेकर मेरे मन में जिज्ञासा है। मैं समझ सकता हूँ मित्र, राजा ने कहा, आपके मन में किस बात को लेकर जिज्ञासा है, परंतु कुछ बातों का भेद समय से पहले ना खुलना ही उचित होता है। इसी के साथ जब उचित समय आएगा तो आपके मन में उठ रहे सारे सवालों का जवाब भी आपको मिल जाएगा। मेरे विचार से अब मुझे निकलना चाहिए। जैसा आप ठीक समझे महाराज, ग्वाले ने कहा और दोनों हाथें जोड़कर वह महाराज से क्षमा याचना करते रहा और कहा कि गाय को खूंटे से खोलकर राजा विक्रम सिंह को दे देता है, जिसके बदले विक्रम सिंह उसे एक पोटली पकड़ाते हुए कहते हैं, यह रही आपकी अमानत, 500 सोने की असरफी। परंतु वह उस पोटली को लेने से यह कहकर मना कर देता है कि गाय की कीमत देकर आप मुझे लज्जित ना कीजिए महाराज, मेरे लिए तो यही बड़े सौभाग्य की बात है कि मुझ जैसा गरीब मानुष आपके किसी काम आ सका। राजा विक्रम सिंह अपने लिए उसकी यह भावना देखकर गदगद हो उठते हैं और स्नेह का भाव रखते हुए कहते हैं, ठीक है, अगर आपकी यही इच्छा है तो मैं आपको गाय की कीमत नहीं दूंगा, परंतु मैं आपको मित्र कहने के नाते एक छोटा सा भेंट तो दे ही सकता हूँ। इसे आप गाय की कीमत नहीं बल्कि एक मित्र को मित्र का उपहार समझकर रख लीजिए, आखिर आप भी तो उपहार स्वरूप मुझे अपनी सबसे प्रिय गाय दे रहे हैं। राजा विक्रम सिंह की इस बात का उस ग्वाले के पास कोई जवाब नहीं होता है और वह कृतज्ञता से सिर झुकाकर विक्रम सिंह को बातों का मान रखते हुए उनकी दी गई पोटली को उपहार स्वरूप लेकर माथे से लगा लेता है और कहता है, आपको आभास भी नहीं है यह गाय मुझे देकर आपने मेरे ऊपर कितना बड़ा उपकार किया है। राजा ने कहा तो ग्वाला कहता है, इसमें उपकार की क्या बात है महाराज, यह तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है, बस ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आप जिस कार्य हेतु यहाँ आए हैं वह कार्य आपका सफलतापूर्वक पूरा हो जाए। राजा कहता है, आपकी शुभकामनाओं के लिए मैं अपने हृदय से धन्यवाद देता हूँ, और वह ग्वाले को गले लगाते हुए गाय के साथ अपने नगर की ओर निकल पड़ते हैं। वह ग्वाला स्नेह दृष्टि से विक्रम सिंह को और उस गाय को जाते हुए तब तक देखता रहता है जब तक राजा विक्रम सिंह उस गाय को लेकर उसकी दृष्टि से ओझल नहीं हो जाता। अनंतपुर पहुंचते पहुंचते सांझ हो चुकी थी। राजा विक्रम सिंह काफी थक चुके थे, परंतु समय की पाबंदी के कारण वो विश्राम नहीं करना चाहते थे, क्योंकि वे जल्द से जल्द अगले कार्य के लिए कदम बढ़ाना चाहते थे। उनकी आने की सूचना जैसे ही महात्मा जी को पता चलती है, महात्मा जी तुरंत उनके कक्ष में आ जाते हैं, जिन्हें देखकर राजा विक्रम सिंह उन्हें प्रणाम करते हैं और अपने कार्य में सफल होने की सूचना से अवगत कराते हैं।
महात्मा जी कहते हैं, मुझे पता था राजन, यह कार्य आप आसानी से कर लोगे। अब सबसे पहले आपको इस गाय का दूध निकालना है। तो राजा कहते हैं, परंतु मुनिवर, उस ग्वाले ने कहा था कि यह गाय दूध नहीं देती है। तब महात्मा जी कहते हैं, यह सत्य है राजन कि यह गाय दूध नहीं देती, किंतु इसी के साथ एक और सत्य यह भी है, यह कोई साधारण गाय नहीं है, इसलिए यह किसी साधारण व्यक्ति को दूध निकालने पर दूध नहीं देती। आपका हाथ लगते ही इसके अंदर, जो इसके हृदय में स्नेह का ऐसा अद्भुत संचार होगा कि यह दूध भी देगी और आपका कार्य भी आसान कर देगी। राजा कहने लगा, परंतु ऐसा क्यों मुनिवर, केवल मेरे ही हाथ लगने पर क्यों? मुनिवर कहते हैं, हाँ राजा, ऐसा ही है। आपको याद तो होगा, मैंने आपको रूप कुमार की कहानी सुनाते हुए मैंने आपको रूप कुमार की बेटी के बारे में भी बताया, जिसका नाम रूपमती है, जिसे प्रचालिका द्वारा एक गाय में परिवर्तित कर दिया गया था। यह गाय उसी प्रचालिका रूप कुमार की बेटी रूपमती है, जो उस जंगल में घूमते घूमते उस ग्वाले की नजर में आ गई थी। अब जब प्रचालिका के कहे अनुसार वह व्यक्ति आप ही हैं जिनके हाथों इन दोनों की मुक्ति होनी तय है, गाय जैसे पवित्र शरीर में रहने के कारण इस बात से रूपमती भी अनजान नहीं है। वह उस पशु की योनि में है जिसमें 33 कोटि देवता निवास करते हैं। यही कारण है कि गाय को पूजने मानकर इनकी पूजा की जाती है। तब राजा कहता है, जी मुनिवर। और मुनि जी अपनी बात पूरी करते हुए कहते हैं, वो बोल नहीं सकती, परंतु समझ सब सकती है, और अगर शारीरिक संरचना पर ध्यान ना दिया जाए तो उसके सारे क्रियाकलाप, यहाँ तक कि बुद्धि विवेक, सब एक मनुष्य की तरह हैं। इस गाय की वास्तविकता जानने के पश्चात मुझे ऋषि श्री ज्ञान के आश्रम में रह रही उस गाय का जो स्मरण हो आया, वह भी मुझे स्नेह दृष्टि से देखने के साथ ही अपने क्रियाकलापों से मेरे प्रश्नों का उत्तर दे देती थी। बड़ा ही अद्भुत अनुभव था। अगर ऐसा था तो वह गाय भी कोई साधारण गाय नहीं होगी, मुनिवर ने कहा। राजन, वो आपकी विशेषताओं से अवगत होकर ही आपसे सम्मोहित हुई होगी। राजा कहता है, जी ऋषि जी, आप सही कह रहे हैं, क्योंकि ऋषि श्री तांग्याप ने भी यही बात कही थी। यह सब सुनने के बाद मन में एक प्रश्न उठ रहा है, मुनिवर, जैसा कि आपने बताया गाय रूपी रूपमती सब जानती है, तो क्या ये भेद उस देते बने रूप कुमार को भी पता है? तो मुनि जी कहते हैं, नहीं, यह बात रूप कुमार को नहीं जानता, क्योंकि वह इस वक्त देते योनि में है, और उस योनि के आकार लोगों की विवेकशीलता को जो मर जाती है, वो कोई भी बौद्धिक बातें विचारने योग्य नहीं रहता। यही कारण है कि आपको अपने सामने देखकर भी उसकी, वह आपकी विशेषताओं से अवगत नहीं हो पाया। मुनि जी के कहे अनुसार राजा ने उस गाय का दूध बिना किसी बाधा के निकाल लिया और उसे एक सोने के पात्र में भरकर रात्रि के पैर में उसी कार्य के लिए निकल पड़ते हैं जो उन्हें उनके गंतव्य तक पहुंचाने वाला था। पूर्व दिशा की ओर 100 कोस की दूरी तय करने पर उन्हें सिलाना नामक पर्वत दिखता है। पर्वत देखते ही उनका हृदय रोमांच और उल्लास से भर उठता है। यहाँ आने के बाद उन्हें अगले कदम की ओर बढ़ना था। वो यहाँ तक आ तो चुके थे, परंतु अब जो सबसे कठिन कार्य था वो था उस पर्वत की ऊंचाई पार करके उसके दूसरे छोर तक पहुंचना। उस पर्वत की ऊंचाई इतनी थी कि अच्छे से अच्छे फुर्तीवान व्यक्ति भी उसे विजय करने से हार मान जाते थे, और इस समय की कमी ने भी उन्हें और कठिन बना दिया था। कुछ क्षण तो उनका मन भी व्यथित हो गया। राजा विचार दिन मुद्रा में लीन कोई ऐसी युक्ति सोच रहे थे जिससे इस कार्य को कम समय में पूर्ण किया जा सके। विचार करते करते सहसा उन्हें कुछ याद आया। वो 3 वर्ष पीछे चले गए, जब उनके महल में एक तेजवान ब्राह्मण आया था जो कि अलख निरंजन का रट लगा रहा था, क्योंकि उस ब्राह्मण ने सफेद वस्त्र पहने हुए थे और अपने ललाट पर भस्म रमाए हुए हाथ से करताल बजाते हुए जोर जोर से अलख निरंजन का जाप करता चला जा रहा था। इतने में ही नगर का भ्रमण करके लौट रहे राजा विक्रम सिंह की नजर उस ब्राह्मण पर पड़ी थी। ब्राह्मण के ललाट पर इतना तेज था कि विक्रम सिंह उसके आशीर्वाद लेने के लिए स्वयं को नहीं रोक पाए थे, और बग्घी रुकवाने का आदेश देकर वे नीचे उतरे और उन ब्राह्मण के समीप पहुंच जाते हैं और उसे दंडवत प्रणाम करके उनसे कहते हैं, हे ब्राह्मण देवता, आपके दर्शन से मैं कृतज्ञ हुआ, कृपया करके आप अपनी सेवा का अवसर प्रदान करें और मुझे अपनी कृपा से अनुग्रहित करें। वह ब्राह्मण विक्रम सिंह से इतना कहने पर अपनी निगाह उन पर इस तरह जमा देता है जैसे उन्हें परखने की कोशिश कर रहा हो। फिर वह मुस्कुराते हुए कहता है, राजन, ईश्वर सब देख रहा है, भला करे तुम्हारा, और जहाँ तक तुम्हारी सेवा की बात है
तो मैं तो स्वयं प्रभु का एक तुच्छ सा दास हूँ जिसे प्रभु सेवा की लालसा है, प्रभु दर्शन की अभिलाषा में निकला हूँ। मुझसे इतनी सामर्थ्य कहाँ कि मैं किसी की सेवा ले सकूँ। राजा ने कहा, आप कुछ भी कहें ब्राह्मण देवता, परंतु मेरे लिए आप जैसे तेजवान ब्राह्मण के दर्शन होना किसी प्रभु दर्शन से कम नहीं है। और जब मुझे यह अवसर मिला है तो मैं इसे अपना सौभाग्य मानता हूँ और इसे अपने हाथ से कैसे जाने दे सकता हूँ। और राजा कहता है कि मेरी आपसे विनती है, कृपया एक बार मुझे अपनी सेवा का अवसर प्रदान करें। तुम्हारी सेवा भावना और अद्भुत है बच्चा, ब्राह्मण ने कहा। वैसे तो मैं किसी के घर का जल भी ग्रहण नहीं करता, परंतु तुम्हारी निश्चल भावना देखकर मैं तुम्हें निराश भी नहीं कर सकता। मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ। विक्रम सिंह की विनती करने पर वह ब्राह्मण पूरी एक रात उनके महल में ठहरा था। इस एक रात्रि में विक्रम सिंह के सेवा भाव से ब्राह्मण बहुत प्रसन्न हुआ और जाने से पहले उन्हें अपना आशीर्वाद देते हुए कहते हैं, ईश्वर सब देख रहा है बच्चा, भला करे तुम्हारा। कल तुम एक कुशल शासक होने के साथ ही एक निर्मल और स्वच्छ मन के मालिक भी हो। तुम्हारा यही गुण तुम्हें औरों से श्रेष्ठ बनाता है। मैं तुम्हारी सेवा भावना देखकर अति प्रसन्न हूँ और इसी प्रसन्नता से अपने आशीर्वाद स्वरूप तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। इसी के साथ उन्होंने अपनी मुट्ठी बंद करके मन में कुछ बुदबुदाते हुए, और जब अपनी मुट्ठी खोलते हैं तो उसमें एक कौड़ी होती है। वह उस कौड़ी को विक्रम सिंह की हथेली पर रखकर उस कौड़ी की विशेषताओं से उन्हें अवगत कराते हुए कहते हैं कि यह कोई साधारण कौड़ी नहीं है बच्चा। अगर मन में सच्ची भावना रखकर किसी नेक कार्य के लिए तुम इसका उपयोग करोगे तो ये कौड़ी तुम्हें तुम्हारे गंतव्य तक पहुंचाने में तुम्हें कभी निराश नहीं करेगी। परंतु इसी के साथ यह भी ध्यान रखना होगा कि इस कौड़ी का उपयोग अपने जीवन काल में तुम केवल एक ही बार कर सकते हो। एक बार प्रयोग करने के पश्चात इसकी विशेषताएं अपने आप ही समाप्त हो जाएंगी और यह एक साधारण कौड़ी में बदल जाएगी। राजा विक्रम सिंह को जैसे ही उस कौड़ी को याद आती है, उनका ध्यान अपनी भुजा की ओर जाता है। आज भी उसे भुजा में लाल रंग के कपड़े में बांधकर उन्होंने अपनी दाएं भुजा में धारण कर लिया था। उस लाल कपड़े में बंधी कौड़ी को अपनी भुजा से उतारकर उसे उस कपड़े से बाहर निकालने के बाद उसे अपने हाथों में लेकर अपनी आंखें मूंद कर सच्चे मन से ब्राह्मण देवता को याद करके उस कौड़ी को अपनी परिस्थिति से अवगत कराते हैं। उसे इस कठिन कार्यों को सफल बनाने के लिए अपने गंतव्य तक पहुंचाने का निवेदन करते हैं। वह प्रार्थना कर ही रहे होते हैं कि तभी उन्हें किसी कोलाहल का अनुभव होता है। वह अपनी आंखें खोलते हैं तो देखते हैं आकाश में उड़ता हुआ एक विशालकाय पक्षी इसी दिशा में चला आ रहा है। वह उस पक्षी का रहस्य समझते इससे पहले ही वो पक्षी उनके सामने खड़ा था। उस पक्षी को अपने समक्ष देखकर उन्हें समझते देर नहीं लगी कि हो ना हो यह पक्षी अवश्य उस कौड़ी से किए गए विनती का चमत्कार है जिसे ब्राह्मण देवता ने जाते जाते अपने आशीर्वाद स्वरूप उन्हें दिया था। वह उस पक्षी की विशालकाय पर आश्चर्य प्रकट कर ही रहे थे तभी प्रणाम महाराज का स्वर सुनकर वे चकित रह गए। उनकी उत्सुकता और उनकी दृष्टि इधर उधर घुमाकर वे देख रहे थे कि आवाज कहाँ से आई। वही स्वर जब उन्हें द्वारा उनके कानों में सुनाई पड़ा कि महाराज मैं आपके सामने हूँ, वो अपनी नजर सामने की ओर घुमाते हैं और देखकर अचंभे में भर उठते हैं कि उन्हें महाराज कहकर संबोधित करने वाला कोई और नहीं बल्कि वही पक्षी था। एक पक्षी को मनुष्य की भाषा शैली में बात करता हुआ देखकर उन्हें बहुत हैरानी के साथ एक सुखद अनुभूति भी हुई। पक्षी का परिचय पूछने पर वह अपना नाम गधोवेग बताता है जिसे उसके गुरु गरुड़ केतु द्वारा उनकी सहायता के लिए भेजा गया था। उसका परिचय जानने के पश्चात विक्रम सिंह अपना खुशी व्यक्त करते हुए अपने आगे की योजना से अवगत कराते हैं और उससे पर्वत के दूसरे छोर के मध्य स्थित बंकट गुफा तक छोड़ने का आग्रह करते हैं। विक्रम सिंह की योजना से अवगत होने पर वह पक्षी उन्हें अपनी पीठ पर बैठाकर खुशी क्षण में कुशलतापूर्वक उनके गंतव्य तक पहुंचा देता है। गधो वेग की सहायता से कुछ ही क्षण में विक्रम सिंह वंकट गुफा में प्रवेश द्वार पर खड़े थे। गधो वेग का आभार व्यक्त कर वे उस गुफा के भीतर प्रवेश कर जाते हैं। जैसा कि मुनि ज्ञान मरण ने बताया था, 200 कदम की दूरी तय करने पर उन्हें एक कुआं दिखाई देता है। वे उस कुएं की गहराई मापने के उद्देश्य से कुएं में झांकते हैं तो देखते हैं कुएं के अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं था। वो अंदर प्रवेश करने की कोई युक्ति लगाते उससे पहले उनकी निगाह एक ऐसी चीज पर पड़ती है जो उन्हें अंदर तक
अंदर तक पहुंचाने में सहायता कर सकती थी। वो सहायता उन्हें कुएं की दीवार पर थोड़ी थोड़ी दूर पर लगी लोहे की छोटी छोटी श्रृंखलाओं के माध्यम से समझ में आई। कार्य कठिन अवश्य था, परंतु नामुमकिन नहीं। थोड़ी सी कठिनाई भरे प्रयास से वे उस कुएं में बनी श्रृंखलाओं के माध्यम से नीचे उतर चुके थे। वो कुआं इतना अंधेरा युक्त था कि हाथ को हाथ नहीं दिख रहे थे, और फिर भी विक्रम सिंह अंधेरे की परवाह किए बगैर आगे बढ़ते जा रहे थे। कुछ कदम की दूरी पर उन्हें एक अजीब तरह की आवाज़ सुनाई पड़ी। अब विक्रम सिंह का पूरा ध्यान उस आवाज़ पर केंद्रित था। वो उस आवाज़ के माध्यम बना उसी दिशा की ओर अपने कदम बढ़ा रहे थे जिस दिशा से वो आवाज़ आ रही थी। थोड़े कदम और चलने पर उन्हें आभास होता है कि वो धीरे धीरे उस आवाज़ के समीप पहुँच रहे हैं। इस आवाज़ पर ध्यान केंद्रित करते हुए उस दिशा की ओर अपने कदम बढ़ा ही रहे थे, तभी अचानक उनका सिर किसी चीज़ से टकराने की वजह से वे ठिटक जाते हैं। अंधेरा होने के कारण वो कुछ देख नहीं पा रहे थे। ऐसा होने पर उनके मन में विचार आता है कि कहीं रास्ता समाप्त तो नहीं हो गया। ऐसा विचार आते ही वे अपने हाथों को माध्यम बनाकर आगे की स्थिति को से जानने के लिए उसे टटोलते हैं। हाथों से टटोलने पर उन्हें आभास होता है कि आगे का रास्ता समाप्त है, परंतु वो आवाज़ तो इसी दिशा से आ रही है। अगर आगे रास्ता नहीं है तो फिर वो आवाज़ इस दिशा से कैसे आ सकती है। वह कुछ क्षण वहीं ठिटक कर विचार करते हैं, और उस विचार के दौरान उनके दिमाग में कुछ भी कहा उस आधार पर इस बार वो अपना सिर या हाथ नहीं बल्कि अपना पैर आगे की तरफ बढ़ाते हैं। और इसी के साथ वो उस दीवार का रहस्य भी समझ चुके थे, परंतु उस रहस्य को सुलझाने के लिए उनका वहाँ बैठना आवश्यक था और उसी अवस्था में दीवार के अंदर प्रवेश करना था। दरअसल विक्रम सिंह उस स्थान पर आगे बढ़ने पर इसलिए टकराए थे क्योंकि वास्तव में वहाँ जो दीवार थी वो दीवार उस बौने के कक्ष का प्रवेश द्वार थी जिसे बौने ने अपने नाप का बनवाया था। और इस बात का आभास उन्हें तब हुआ जब उन्होंने अपना पैर आगे किया। पैर से नीचे की ओर स्पर्श करने पर उन्हें एक अलग ही अनुभूति हुई। इसी के साथ वह स्थान उन्हें कुछ लचीला सा भी प्रतीत हुआ। उन्हें समझते देर नहीं लगी कि हो ना हो नीचे अवश्य कुछ ऐसा है जो ऊपरी हिस्से से अलग है, और वो दीवार तो बिल्कुल भी नहीं है, शायद कोई दरवाजा है। इतना सोचते ही वो नीचे बैठ जाते हैं और बैठे बैठे अपने हाथ से उस स्थान को हल्का जोर लगाकर पीछे की ओर धकेलते हैं। उनका अनुमान सही था। उनका हाथ जैसे ही उस दरवाजे से लगता है वो दरवाजा खुल जाता है। दरवाजा खुलते ही उसी अवस्था में वे अंदर प्रवेश करते हैं। अंदर एक टिमटिमाती सी हल्की रोशनी से वो स्थान अब अंधेरा युक्त नहीं लग रहा था। थोड़ा गौर से देखने पर वहाँ का दृश्य अब वो देख पा रहे थे। वो लकड़ी का एक छोटा सा कक्ष था, लकड़ी से बना हुआ था जिसे बहुत ही करीने से सजाया गया था, जहाँ सब कुछ बहुत अजीब था। एक छोटा सा मेज, उस पे लगी दो छोटी छोटी कुर्सियाँ, उस मेज पर रखे लकड़ी के दो छोटे छोटे प्लेट कटोरी गिलास ये दर्शा रहे थे कि ये उस बौने का भोजन करने का स्थान होगा। वह थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, कुछ कदम की दूरी पर इस बार वो कुछ भी देखते हैं तो उसे देखते ही उनकी दृष्टि उस दृश्य पर रुक जाती है। एक छोटे से बिस्तर पर कोई बच्चा था जो जोर जोर से खर्राटे भर रहा था। इस कक्ष में बैठकर प्रवेश करने के पश्चात वो झुककर तो पहले ही चल रहे थे, परंतु अब वो दोबारा से बैठकर उस स्थिति को समझने की कोशिश कर रहे थे। उस हल्की सी टिमटिमाती रोशनी में गौर से देखने पर उन्हें जो कुछ भी दिखा उसे देखते ही वह आश्चर्य से भर उठे। ऊंचाई से देखने पर उन्हें जो बच्चा सा प्रतीत हो रहा था वास्तव में वो बच्चा नहीं होकर बच्चे के आकार का एक बौना था जिसकी औसत लंबाई उसके घुटने तक की होगी। सूरत से बेहद अजीब और आक्रामक सा लगने वाला बौना गहरी नींद में जोर जोर से खर्राटे भर रहा था, और यही वो आवाज थी जिसे सुनकर वे यहाँ तक पहुंचे थे। वे बौने तक तो पहुंच गए थे, परंतु अब जो अगला कार्य था उस बौने को नींद से जगाने का, जिसे महात्मा जी के मार्गदर्शन से अपनी युक्ति द्वारा विक्रम सिंह ने और सरल बना दिया था। विक्रम सिंह उस बौने को नींद से जगाने के लिए महात्मा द्वारा बताई गई युक्ति अनुसार उसके मुंह में जो पहले से अधखुला था सोने के पात्र में लाए दूध का की जो 11 बूंद बड़ी सावधानी से टपकाते हैं, उस बौने के मुंह में उस दूध का 11 बूंद जाते ही कुछ ही क्षण में उसका असर उस बौने पर हो चुका था। जैसा कि महात्मा द्वारा बताया गया था वो उबासी लेता हुआ उठकर बैठ गया
और इसी के साथ अब वो होने वाला था जिसके बारे में महात्मा ने उन्हें कुछ नहीं बताया था। वो बौना अपनी पतली आवाज के साथ जोर से गरजता है, किसने उठाया मुझे? कौन है वो जिसने मेरी नींद तोड़ने की हिम्मत की? सामने आओ मेरे, कहकर जैसे ही उसने अपनी दृष्टि इधर उधर घुमाई, अपनी दाई ओर किसी अजनबी को खड़ा देखकर वह चकित हो गया और संशय भरी दृष्टि से उनसे पूछता है, कौन हो तुम और यहाँ कैसे पहुंचे? कहीं तुम्हें मेरे भाई हिंडक ने तो यहाँ नहीं भेजा? क्योंकि एक वही है जिसे मालूम है कि मैं कहाँ रहता हूँ, और तो और मुझे नींद से उठाने का तरीका भी केवल वही जानता है। क्या तुम उसके कोई दूत हो जो उसका कोई संदेश लेकर आए हो? बताओ मुझे कैसा है वो? उस बौने के इस तरह के प्रश्न पर विक्रम सिंह कुछ बोलते नहीं बना। वो बौना उनके शांत देखकर फिर बोलता है, तुम शांत क्यों हो? जवाब दो, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। इस पर विक्रम सिंह चुप नहीं रहे और वे बोले कि असल बात यह है कि मुझे आपके भाई ने नहीं भेजा है, मैं तो उनको जानता तक नहीं। वो आगे कुछ कहते इससे पहले ही बौना उनकी बातों को बीच में काटते हुए कहता है, क्या कहा तुमने? तो क्या तुम्हें हिंडक ने नहीं भेजा? इसका मतलब ये हुआ कि तुम कोई शत्रु हो जो गलत इरादे से यहाँ दाखिल हुए हो? सच कहो, कौन हो तुम और यहाँ क्या करने आए हो? मुझे तो अब ऐसा लग रहा है कि तुम अवश्य ही कोई मायावी हो जो इतनी आसानी से यहाँ दाखिल हो गई, क्योंकि किसी साधारण मनुष्य का यहाँ इस तरह से आकर मुझे नींद से उठाना नामुमकिन है। अगर ऐसा है तो यहाँ आकर तुमने बहुत बड़ी गलती की है और साथ ही अपनी मौत को भी निमंत्रण दे दिया। रुको, अभी बताता हूँ तुम्हें, वो बौना क्रोध में भरकर कहने लगा। उसी क्षण वो अपने हाथ हवा में लहराता है और जैसे एक जादू सा होता है। देखते ही देखते एक रस्सी उसके हाथ में नाच रही थी जिसका प्रयोग वो राजा विक्रम को बांधने के लिए करने वाला था। वो रस्सी जादुई तरीके से बिना उस बौने के हाथ लगाए विक्रम सिंह को बांधती चली जा रही थी। उस बौने को इतना क्रोधित होता देख विक्रम सिंह अपनी बात रखने का प्रयत्न करते हुए शांत कराने वाली मुद्रा में कहते हैं कि आप मुझ पर क्रोधित होने से पहले मेरी पूरी बात ध्यान से सुन लीजिए। श्रीमान पिंडक जी, आप गलत समझ रहे हैं, मुझे यहाँ पर आकर मैंने आपको नींद से जगाया अवश्य है, जिसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ, परंतु मेरा भरोसा करें, मैं यहाँ आपको कोई नुकसान पहुँचाने के उद्देश्य से नहीं आया हूँ, बल्कि किसी विशेष कार्य से आया हूँ। तब बौना बोला, अच्छा तो तुम्हें मेरा नाम भी पता है, इसका मतलब मैं सही हूँ? अवश्य तुम मायावी हो जिसने अपनी माया से मेरे बारे में सब कुछ पता कर रखा है। तुम एक बात याद रहे, तुम कोई भी हो, यहाँ तक तो आ गए परंतु यहाँ से जीवित नहीं लौट सकोगे। राजा विक्रम सिंह उस बौने को इतना क्रोधित देखकर उसे समझाने का बहुत प्रयत्न करते हैं, लेकिन उसे समझा नहीं पाते। जब विक्रम सिंह ने देखा कि बौना उनकी कोई बात सुनने को तैयार नहीं है, तो वह बिना कोई सफाई दिए अपनी बात को स्पष्ट रूप से उसके सामने रख देते हैं और कहते हैं, मैं आपके पास नीलामृत की सहायता पाने के उद्देश्य से आया हूँ। नीलामृत नाम सुनते ही बौना, जो अभी तक क्रोध से भरा था, वह कुछ सामान्य होते हुए विक्रम सिंह को आश्चर्य भरी नजरों से देखता है और अपनी भौहों पर जोर देते हुए कहता, नीलामृत? परंतु तुम्हें नीलामृत की जानकारी कहाँ से प्राप्त हुई और तुम्हें क्यों चाहिए? विक्रम सिंह उसकी पहली बार सामान्य रूप से बात करते हुए देख थोड़ा सहज होते हैं और उसे अपने यहाँ आने के बारे में बताते हुए आगे कहते हैं, यहाँ से 110 कोस दूर अनंतपुर नामक एक गांव है, नगर है, मैं वहाँ का राजा विक्रम सिंह हूँ। पिछले कुछ महीनों से हमारे नगर में सुकासुर नामक एक दैत्य ने अपना उत्पात मचा रखा है। वह हमारी अनंतपुर की भोली भाली जनता को अपने भोजन का माध्यम बना रहा है। मेरे यहाँ आने का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ उस दैत्य से अपने अनंतपुर के लोगों की प्राणों की रक्षा करना है। और फिर विक्रम सिंह उस बौने को रूपवती और रूप कुमार से जुड़ी सारी कहानी बताते हैं और साथ में मुनि ज्ञानरमाइंड द्वारा बताए गए उपाय की पूरी कहानी उसके सामने रख देते हैं। मुझे इस नीलामृत की जानकारी उन्हीं महात्मा ने दी है, साथ ही यह भी बताया है कि इस विषय में केवल आप ही हैं जो मेरी सहायता कर सकते हैं, इसलिए मैं बड़ी आशा लेकर आपके पास आया हूँ। परंतु इस संबंध में आप मेरी सहायता कर देते हैं तो आपका मुझ पर, मेरे अनंतपुर नगर पर बड़ा उपकार होगा। वो बौना कुछ क्षण विक्रम सिंह को शक भरी नजरों से देखने के बाद विचार करने वाली मुद्रा में इधर उधर टहलते हुए कहता है, अच्छा तो वास्तव में एक विकट समस्या है, परंतु कैसे मान लो कि तुम जो कह रहे हो सत्य है?
राजा कहने लगा कि मैं सत्य कह रहा हूं, अगर आपको मुझ पर भरोसा नहीं है तो बताइए मैं ऐसा क्या करूं जिससे आपको मुझ पर भरोसा हो जाए। आपको भरोसा दिलाने के लिए आप जैसा कहेंगे मैं करने को तैयार हूं। बौना कहता है, ठीक है तुम कहते हो तो मैं तुम्हें एक कार्य सौंपता हूं, अगर तुमने उसे सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया तो मैं तुम पर भरोसा कर सकता हूं। राजा ने कहा कि आप वह काम बताइए, मैं हर संभव प्रयास करूंगा उस कार्य को सफलता पूर्ण करने के लिए। राजा विक्रम सिंह का आत्मविश्वास देखकर वह बौना मुस्कुराते हुए कहता है, ठीक है ऐसी बात है तो सुनो, इस पर्वत से नीचे उतरकर 2.5 कोस की दूरी पर एक किला पड़ता है। उस किले पर कबीले समूह की एक छोटी सी बस्ती बसती है जहाँ का सरदार है कुनुप्पा। कुनुप्पा सरदार की 16 साल की मृदुला नामक एक खूबसूरत सी पुत्री है जिसे सरदार अपनी जान से भी ज्यादा प्रेम करता है। इसके पीछे भी एक कारण है, जब मृदुला 3 बरस की थी तो उसकी माँ एक भयंकर बीमारी की चपेट में आने से अपनी एकमात्र बेटी को कुनुप्पा के सहारे छोड़कर इस दुनिया से चल बसी। तब से मृदुला के लिए कुनुप्पा ही उसका माता और पिता है। मृदुला अपने हंसमुख और चंचल स्वभाव के कारण केवल अपने ही पिता की नहीं पूरे कबीले वालों की प्रिय है, परंतु इधर कुछ वर्षों से वो हंसमुख मृदुला एक उदास मृदुला में बदल चुकी है। उसका असर उसके पिता सरदार कुनुप्पा पूरी कबीले की जनजाति पर पड़ चुका है। उसने बताया कि मृदुला के उदास रहने के पीछे भी एक कारण है। उस समय मृदुला 12 बरस की थी जब उसके साथ एक अजीब घटना घटी। एक रोज जब वह सोकर उठी तो उसने देखा उसके बाल जो कि अब तक उसकी कमर तक के थे एक ही रात में अप्रत्याशित तरीके से बढ़ते हुए धरती तक लंबे हो चुके थे। एक ही रात में इतने लंबे बालों को देखकर हर कोई अचंभे में पड़ गया। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। अपने साथ हुए इस चमत्कारिक घटना से स्वयं मृदुला भी हैरान थी। इतने लंबे बालों के साथ उसे कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था जिससे वो उदास हो गई। जब कुनुप्पा ने देखा कि उसकी पुत्री के बाल अचानक से इतने लंबे हो गए हैं कि मृदुला की कठिनाइयों का कारण बन गए हैं, तो उसने एक बाल काटने वाले को बुलवाया और उसके बालों को कटवा कर उतना करवा दिया जितने पहले हुआ करते थे। बाल कटने से मृदुला खुश थी और स्वयं को भार मुक्त महसूस कर रही थी। परंतु ये क्या, उसके दूसरे दिन सवेरे सवेरे जब वह नींद से जागी तो अपने बालों को दोबारा से धरती पर लहराता हुआ पाया, जिसे देखकर वह घबरा गई और दोबारा से उदास हो गई। उसे उदास देखकर कुनुप्पा ने फिर से उसका बाल कटवाया और फिर पहले जितना करवा दिया। बाल कटवाने के दूसरे दिन या तीसरी बार था जब वह सोकर उठी पर मृदुला फिर से धरती पर लहरा रहे उसके बालों को देखकर वह फिर उदास हो गई। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके इस उम्र में आने के कारण ऐसा अचानक उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। अब हर रोज उसकी दिनचर्या हो गई कि उसके बाल कटते और दूसरे दिन फिर इतने ही लंबे वापस हो जाते। कुनुप्पा को यह रहस्य कुछ समझ में नहीं आ रहा था। एक दिन उसने निर्णय किया कि आज की रात्रि वो पता लगा कर रहेगा कि ये चमत्कार कैसे हो जाता है। उस एक रात्रि में ऐसा क्या होता है जिससे उसके पुत्री के बाल इतने लंबे हो जाते हैं। ऐसा निर्णय करके वह उस रात्रि के तीसरे पहर से ही अपनी पुत्री के बिस्तर से दूर एक कोने में छिपकर बैठ गया और उस रात को पूरे घटनाक्रम को परखने के उद्देश्य से उसने अपनी पुत्री के बालों पर अपनी नज़र को जो बनाए रखी। तीसरा पहर बीतने को था परंतु अभी कुछ भी ऐसा नहीं हुआ था जिससे उस रहस्य की सच्चाई का पता लग पाता। नींद उसे अपनी ओर खींचने का प्रयास कर रही थी परंतु सच जानने की ललक में वो नींद को झटक देता था। चौथा पहर लग चुका था, इसी के साथ उसे अपनी आंखों और चैतन्य भी कर लिया था। चौथा पहर अभी आधा निकल चुका था परंतु वह हार मानने वालों में से नहीं था और तभी अचानक वो कुछ ऐसा देखता है कि उसकी आंखें आश्चर्य से फटी की फटी रह जाती हैं। एक स्त्री मृदुला के समीप बैठी थी जो उसके बालों को प्यार से सहला रही थी। उसके सहलाते ही मृदुला के बाल देखते ही देखते अप्रत्याशित तरीके से बढ़ते लगे, धरती को छूने लगे। इस दृश्य को देखने के पश्चात जब उसे सारी स्थिति समझ में आ चुकी थी, वह जान चुका था मृदुला के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। मृदुला के बाल सहलाने वाली स्त्री कोई और नहीं बल्कि स्वयं उसकी अर्धांगनी और मृदुला की अपनी माँ थी। उसे याद आया जब वो अपनी पत्नी के बढ़ते बालों की ललक को नजरअंदाज नहीं कर पाता था और उसकी इस ललक को देख कभी कभी वह उस पर रुष्ट भी हो जाया करता था। कितने प्रिय थे उसे अपने लंबे बाल, जिसे बढ़ाने के लिए वो कुनुप्पा से आग्रह कर ना जाने कितनी जड़ी बूटियां मंगवाया करती थी और उनका सेवन अपने बालों को लंबे और खूबसूरत बनाने के लिए करती थी। और फिर जब कुनुप्पा ने
उसके इस ललक का विरोध किया तो उसके इस विरोध पर वो हंसकर कहा करती थी, आपको क्या पता स्त्रियों के बाल स्त्रियों का गहना होते हैं, बाल जितने लंबे खूबसूरत होते हैं स्त्री भी उतनी ही खूबसूरत दिखती है, यदि उसके बाल हैं सुंदर हैं तो उसे किसी गहने की आवश्यकता नहीं, और यदि उसके बाल ही सुंदर नहीं है तो वह कितने भी गहनों से लद जाए सुंदर नहीं दिखेगी। आप देखिएगा एक दिन हमारी पुत्री के बाल मुझसे भी लंबे और खूबसूरत रहेंगे। तब उसे कहाँ पता था कि ये कहने के कुछ महीने पश्चात ही वह अपनी पुत्री के बालों की देखभाल करने के लिए इस दुनिया में ही नहीं रहेगी। ये बातें याद कर कुनुप्पा की आंखें आंसुओं से भर गईं, और इसी के साथ इस रहस्य का पता चलते ही उसके मन ही मन यह निश्चय कर लिया कि अब वह अपनी पुत्री के बाल कभी नहीं कटवाएगा, क्योंकि उसकी पत्नी का मुंह अपनी पुत्री के बालों पर है, और अगर वह ऐसा करता रहेगा तो उसकी पत्नी की आत्मा को कभी शांति नहीं मिलेगी। कुनुप्पा को सत्य मालूम हो चुका था। इसी के साथ उसने अपनी पुत्री के लंबे बालों के साथ कठिनाइयों से जूझते हुए देखना और उसका अपनी पत्नी के लिए अपनी प्रेम भावना को दर्शाने की व्यवस्था भी बन चुकी थी, जिसे वो किसी से जाहिर भी नहीं कर सकता था, अपनी बेटी मृदुला से भी नहीं। समय के साथ मृदुला ने भी इसे स्वीकार कर लिया था, किंतु वो अब धीरे धीरे उदास और गुमसुम सी रहने लगी थी। उसके बालों की देखभाल की जिम्मेदारी उसके अकेले की बस की बात नहीं थी, इसलिए उसकी सहायता करने कबीले की कुछ लड़कियां को इकट्ठा होना पड़ता था। 4 वर्ष का दिन बीत गए धीरे धीरे, और कुनुप्पा इन 4 वर्षों से अपनी पुत्री की सूरत पर हंसी तो छोड़ो मुस्कान तक देखने को तरस गया। कुनुप्पा ने बहुत युक्ति की कि उसकी उदासी को दूर करने की, मगर अब तक की सारी युक्ति विफल रही। यह देखते ही कुनुप्पा ने यह भी घोषित कर दिया कि यदि कोई उसकी पुत्री के होठों पर मुस्कान ला सकेगा तो उसे अपने सामर्थ्य अनुसार उचित इनाम देकर सम्मानित करेगा। बहुत सारे लोग आए परंतु कोई भी सफल नहीं हो पाया। अगर तुमने यह कार्य कर दिया तो उसकी उदासी को दूर कर उसके अधरों पर मुस्कान ला सके तो उस इनाम स्वरूप वो चीज लाने में सफल रहे जिसकी कीमत उस कुनुप्पा की नज़र में शायद उतनी ना हो परंतु तुम्हारे लिए बेशकीमती हो सकती है। तो मैं मान लूँगा कि तुम एक सुलझे और बुद्धिमान इंसान होने के साथ एक अच्छे व्यक्ति के स्वामी हो, और फिर मैं तुम पर भरोसा कर सकता हूँ। विक्रम सिंह की हाँ कहते ही बोने ने उन्हें बंधन मुक्त करने के साथ ही अपनी जादुई शक्तियों द्वारा एक ऐसी रस्सी का निर्माण किया जो विक्रम सिंह को उसके गंतव्य तक पहुंचाने में सहायता करने वाली थी। वो रस्सी विक्रम सिंह को देते हुए बोना उन्हें उसकी विशेषताओं के बारे में बताता हुआ कहता है, यदि इस रस्सी से तुम हवा में छोड़ोगे, छोड़ते हुए ये कहोगे हे रस्सी चल रहा पकड़, तो ये अपना लचीलापन त्याग कर लकड़ी के समान सीधी और सख्त हो जाएगी, और फिर तुम्हें बैठाते हुए तुम्हें जहां भी जाना होगा वहां सुरक्षित पहुंचा देगी। बस इस पर बैठते हुए इतना कहना होगा जिस स्थान पर जाना वहां का नाम लेना होगा। उदाहरण के लिए जैसे तुम कहोगे हे रस्सी चल रहा पकड़ टीले का, तो ये रस्सी तुम्हें सहायता स्वरूप इसलिए दे रहा हूं क्योंकि मुझे पता है मार्ग कठिन है और तुम्हारे पास समय का अभाव भी है। विक्रम सिंह उस रस्सी के लिए बोने का आभार व्यक्त करते हुए उस कक्ष से बाहर निकलते हैं, और फिर उस पर बैठकर जैसे ही वे अपने गंतव्य का इशारा देते हैं उन्हें लेकर वह टीले की तरफ उड़ जाती है। जब वो उस टीले पर पहुंचती है तो वहां का दृश्य कुछ ऐसा था कि बांस से बने छोटे छोटे घरों में रहने वाले वो कबीला 80-90 लोगों के एक छोटे से समूह का हिस्सा था। इन घरों के बीचों बीच एक बहुत बड़ा खुला हुआ हिस्सा था। उस खुले हुए हिस्से में एक तरफ कुछ पुरुष बांस की चटाई कर जो उसका छोटा छोटा छल्ला बना रहे थे, वहीं दूसरी ओर कोने की तरफ बैठी हुई कुछ स्त्रियां उस छल्ले को टोकरी बना रही थीं। कुछ लड़के थे जो एक छोटे से बच्चे पर अपना स्नेह लुटाते हुए उसे कपड़े के झूला में झूला रहे थे। इन सब के बीच एक दृश्य ऐसा भी था जिसने विक्रम सिंह को जो व्यवस्थित कर दिया। 4-5 व्यक्तियों का एक समूह एक दर्द से कराहते हुए व्यक्ति के इर्द गिर्द बैठा हुआ था। उस व्यक्ति की भुरभुरी मिट्टी एक चादर बिछाकर लिटाया गया था और उन व्यक्ति समूह द्वारा लेप लगाया जा रहा था। विक्रम सिंह ने देखा उस व्यक्ति के शरीर पर घाव थे। अब तो घाव उसके शरीर पर कैसे आए थे ये तो किसी से पूछने पर ही पता चलता। वहां से कुछ दूर एक सुंदर सी गुमसुम लड़की बैठी थी जो कुछ उदास सी लग रही थी। उसके बाल बहुत लंबे सुनहरे और चमकीले थे जो दूर से ही किसी को भी आकर्षित कर सकते थे। विक्रम सिंह को समझते देर नहीं लगी, हो ना हो वही लड़की है जिसके बारे में बोने ने उन्हें बताया है। ऊपर से ही सारे दृश्यों की पड़ताल करने के पश्चात विक्रम सिंह को एक युक्ति सूझी। उस युक्ति को अमल में लाने के लिए उन्होंने किसी ऐसे कलाकार की आवश्यकता थी जो कलाकृति बनाने में माहिर हो
और कम से कम ऐसी अनोखी पुतली तैयार कर दे जो दिखने में एकदम सजीव लगे। पता चलने पर कि उन्हें वहां से कई कोस दूर रह रहे एक ऐसे कलाकार का पता चला जो मिट्टी से सुंदर सुंदर सजीव सी लगने वाली कलाकृतियां बनाता था। कुछ देर पश्चात टीले पर एक आवाज थी जो सभी का ध्यान अपनी ओर खींच रही थी। उदासी का चादर ताने है पड़ी हुई मृदु बाला, आया हूं मैं दूर देश से उसको हंसाने वाला, उसको हंसाने वाला, हाँ जी उसको हंसाने वाला। वो आवाज सभी को आकर्षण का केंद्र बनी हुई थी और देखते ही देखते मन में कोतुलता का भाव लिए सभी लोग उस स्थान को घेर कर खड़े हो गए जहां से आवाज आ रही थी। धीरे धीरे भीड़ बढ़ती जा रही थी जिसमें बूढ़े जवान भी सम्मिलित थे। कुरुप्पा भी स्वयं को रोक नहीं पाया था। उसने ऐसा देखा एक व्यक्ति अपने हाथ में एक लकड़ी की आकृति को लंबे सुनहरों वाली लड़की सुंदर सी पुतली के लिए लिए खड़ा था और वो आवाज उसी व्यक्ति द्वारा लगाई जा रही थी। कुरुप्पा उस आवाज को सुनकर जितने अचंभे में था उससे अधिक अचंभा तो उसे इस बात पर हो रहा था कि उस व्यक्ति के हाथ में जो पुतली थी उसकी आकृति एकदम मृदुला से मिलती जुलती थी और तो और उसके गीत में उसकी पुत्री की मनोव्यथा सहित उसके नाम का भी एकदम सही वर्णन था। वो मानव कुनुप्पा के लिए अजनबी था जिसके हाथों में वो अनोखी पुतली थी और कुनुप्पा के हिसाब से अपने आप में अद्भुत और अनोखा दृश्य था जिसे उस कबीले में अब तक पहले किसी ने नहीं देखा था। सब उस करामाती सी दिखने वाली पुतली पर अपना आश्चर्य प्रकट करने के लिए साथ ही व्यक्ति पर आश्चर्य प्रकट कर रहे थे जिसके साथ ऐसी अनोखी पुतली थी। सरदार कुनुप्पा उस पुतली पकड़ने वाले से उसका परिचय जानने के लिए इच्छुक हो रहे थे। सबसे ज्यादा अधीर उस पुतली का रहस्य समझने को हो रहा था और इसी अधीरता में उस व्यक्ति का परिचय पूछते हुए कहते हैं, अजनबी तुम्हारा गीत यहाँ के लोगों को सम्मोहित कर रहा है। मेरा नाम कुनुप्पा है और मैं इस कबीले का सरदार हूँ। तुम्हें और तुम्हारे गीत को लेकर मेरे मन में बड़ी जिज्ञासा उत्पन्न हो रही है। कौन हो तुम, कहाँ से आए हो और तुम्हारी इस पुतली का क्या रहस्य है? कुनुप्पा ने इस प्रश्न पर विक्रम सिंह को उस पुतली और अपने गीत के लोगों को मन में कौतूहल जगा रहे थे मुस्कुराते हुए अपनी दृष्टि कुनुप्पा पर डालते हुए कहते हैं, उसके प्रश्नों के उत्तर में सादर नमस्कार करते हुए बोले, आदरणीय मेरा नाम विक्रम है, मैं दूर देश का रहने वाला हूँ और नित नए नए स्थानों पर जाकर अपनी इस पुतली का खेल दिखाकर लोगों का मुख पर मुस्कान लाने का प्रयास करता हूँ। अभी कुछ दिन पूर्व मुझे किसी के माध्यम से ज्ञात हुआ कि आपकी पुत्री इधर कुछ वर्षों से बहुत उदास है। मैंने सोचा क्यों ना मैं इसकी उदासी को दूर करने का एक छोटा सा प्रयत्न कर लूं, हो सकता है मेरा प्रयत्न कुछ काम आ ही जाए। विक्रम सिंह की बात सुनकर कुनुप्पा उन्हें एक अवसर दे देना चाहता था। वैसे भी उसने अभी तक जिसे भी अवसर दिया था वे इस कार्य में सफल ही तो रहे थे। कुनुप्पा की हाँ सुनते विक्रम सिंह उस ओर चल देते हैं जिधर मृदुला अवदास सी बैठी थी, अपने में खोई हुई थी। उसको आते देखकर वहाँ सारी भीड़ बड़ी उत्सुकता से उनके पीछे चल पड़ी। जैसे ही विक्रम सिंह उस पुतली के साथ मृदुला के सामने पहुँचे तो मृदुला अपने सामने एक पुतली को देखकर हैरत में पड़ गई। अब ये उस कलाकार की कलाकीर्ति थी या वो पुतली हूबहू मृदुला जैसी ही लगती थी? बिल्कुल वही लंबाई, वही बाल, वही बालों का रंग, वही नैन नक्श। अगर दोनों को एक साथ खड़ा कर दिया जाता तो एक बार गौर न करने पर कोई भी धोखा खा जाता, ऐसी पुतली थी वो। विक्रम सिंह वहाँ पहुँचकर उस पुतली के बारे में सबको बताते हुए कहते हैं, क्या आपको पता है ये पुतली भी बोल सकती है? उसका इतना कहना था कि सारे लोग उस पुतली की आवाज़ सुनने के लिए आतुर हो उठे, उत्सुकता में भरकर उस पुतली को गौर से देखने लगे। विक्रम सिंह उसे बात करना आरंभ करते हैं, हे बोलने वाली पुतली, क्या तुम मुझे अपना नाम बताओगी? तो वह पुतली बोली, हंसनी। पुतली का जवाब सुनकर वहाँ खड़े सारे लोग तालियां बजाने लगे। उस पुतली को आवाज़ देने वाले स्वयं विक्रम सिंह थे जो इतनी सफाई से उस पुतली के मुंह को इधर उधर घुमाते हुए स्वयं के पूछे प्रश्नों का उत्तर दे रहे थे। लग रहा था वो पुतली ही उत्तर दे रही है। अरे वाह, नाम तो बड़ा ही प्यारा है तुम्हारा, तो हंसनी ये बताओ इस धरती पर सबसे खूबसूरत लड़की कौन है? तब वह कहने लगी, मैं। उसके बिना वक्त गवाए इतराते हुए कहा, परंतु मैं कैसे मान लूं कि तुम इस धरती की सबसे खूबसूरत लड़की हो? वह कहने लगी, क्योंकि मेरे बाल खूबसूरत हैं। अच्छा, तो क्या तुम्हारे बाल खूबसूरत लगते हैं? वह कहने लगी, हाँ। अच्छा, तो यह बताओ कि तुम्हारा नाम हंसनी कैसे रखा? तो वह कहती, मेरे माता पिता ने। क्यों, हंसनी ही क्यों रखा? राजा ने पूछा। क्योंकि जब मेरा जन्म हुआ था तो रोते हुए ही नहीं हंसते हुए हुआ था,
क्योंकि मेरे माता पिता मेरा नाम हंसनी रख दिया, मैं सदैव हंसती रहती हूँ क्योंकि मुझे खुश रहना अच्छा लगता है। वैसे एक ब्राज की बात बताऊँ, मेरी हंसी मेरे बालों की तरह ही खूबसूरत है, देखना चाहोगे? और ये देखो, कहते हुए वो पुतली जो अपने होठों को फैलाकर हंसते हुए दिखती है, उस पुतली को हंसता हुआ देख मृदुला, जो अब तक उस पुतली की बातों को गौर से सुन रही थी, आश्चर्य प्रकट करते हुए कहती है, ये क्या तुम्हारे दांत ही नहीं है और तुम कहती हो कि तुम्हारी हंसी खूबसूरत है? अब जब तुम्हारे दांत ही नहीं है तो तुम्हारी हंसी खूबसूरत कैसे हो सकती है? मेरे दांत देखो, जब मैं हंसती तो मेरे दूध से सफ़ेद दांत मेरी हंसी के साथ मेरी सूरत भी खूबसूरत बना देते हैं। मृदुला ने उस पुतली से अपने दांतों का बखान करते हुए कहा। हाँ, पुतली कहने लगी, बना देते होंगे, परंतु तुम्हारे इतने सुंदर दांत होने पर का क्या मतलब, तुम हंसती ही कहाँ हो? मुझे देखो, मेरे दांत नहीं है, फिर भी मैं सदैव हंसती रहती हूँ क्योंकि मुझे हंसता देख मेरे को और उनको बहुत खुशी होती है। क्या कहा, मेरे वो तुम्हारे कौन है? वो कहीं पुतलियों का भी विवाह होता है भला? क्यों नहीं होता, पुतली ने कहा, मेरा तो हुआ है, परंतु बिना दांत के उसने तुम्हें पसंद कैसे किया? मृदुला ने पूछा। मेरे बालों के कारण, उनका कहना है मेरे बाल इस दुनिया की सबसे खूबसूरत बाल हैं। इन बालों की खूबसूरती के साथ उनकी नज़र मेरे दांतों पर जाती ही नहीं, मैं बिना दांत के भी उन्हें सुंदर लगती हूँ। अच्छा, मृदुला ने कहा, तो फिर तो मेरे बाल तो तुमसे भी अधिक खूबसूरत हुए। पुतली कहने लगी, वो कैसे? तब मृदुला कहने लगी, क्योंकि तुम्हारे बाल तो केवल तुम्हारे घुटने के नीचे तक ही आते हैं, मगर मेरे बाल धरती पर लहराते हैं। इस चीज से यह तय हो गया कि मैं तुमसे अधिक खूबसूरत हूँ, क्योंकि मेरे बालों के साथ मेरे दांत भी तो हैं। और हाँ, तुम सच में इन बालों और इस हंसी के साथ इस दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हो। पुतली कहने लगी, मैं तो नाहक ही अपने बालों पर हंसी पर इतना अभिमान कर रही थी। पुतली ऐसे कहते हुए अपना मुंह लटका लेती है। अरे ये क्या, मृदुला कहते, तुम तो उदास हो गई। देखो, तुम उदास मत हो, तुम्हारे दांत भले ही ना हो, तुम्हारे बाल भी मेरे जितने लंबे ना हो, फिर भी तुम खूबसूरत हो, बिल्कुल मेरी तरह। क्या सत्य कह रही हो तुम? पुतली ने कहा। तो मृदुला कहने लगी, हाँ, 16 आने सत्य कह रही हूँ। चलो वचन दो कि मुझे तुम अब से कभी उदास नहीं रहोगी। नहीं होंगी, मृदुला कहने लगी, परंतु तुम भी मुझे एक वचन देना होगा, तुम अपने इन खूबसूरत दांतों के साथ सदैव हंसती मुस्कुराती रहोगी। तो मृदुला जो वचन देती है, अब मैं कभी उदास नहीं होंगी। फिर ठीक है, कहते हुए बार बार वो पुतली अपने होठों को चौड़ा कर हंसने लगती है। उसे हंसता देख मृदुला भी हंसने लगती है। मृदुला की हंसी वापस आया देख सारे कबीले वाले लोग तालियां बजाते हुए उस पुतली सहित विक्रम सिंह को कंधे पर उठा लेते हैं। अपनी पुत्री के होठों पर मुस्कान देख कुनुप्पा के तो प्रसन्नता का कोई ठिकाना ही नहीं था। वो विक्रम सिंह से खुश होते हुए कहता है, बहुत बहुत आभार आपका, आपको मालूम नहीं है आपने हमारी पुत्री के होठों पर मुस्कान वापस लाकर हम पर कितना बड़ा उपकार किया है। आप बताएं हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? आप जो कहेंगे हम अपनी सामर्थ्य अनुसार देने को तैयार हैं। विक्रम सिंह कुनुप्पा की बात अपनी सुनकर अपनी दृष्टि इधर उधर घुमाते हुए विचार करने लगते हैं। तभी उन्हें पीछे से एक व्यक्ति का स्वर सुनाई पड़ता है। हाँ बोलिए, संकोच मत करिए, आखिर आपने इतना बड़ा काम किया है हमारी प्यारी बिटिया की खोई हुई मुस्कान वापस लाकर। विक्रम सिंह की नजर जैसे ही उस व्यक्ति पर पड़ती है तो वो हैरान रह जाते हैं कि आप तो क्या हुआ, आप इन्हें देखकर इतने हैरान क्यों हैं? वो मैं पूछना चाह रहा था, ये कौन है? ये तो हमारा छोटा भाई विश्ववा है। विक्रम सिंह को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। अभी कुछ घंटे पहले ये आदमी दर्द से कराह रहा था, इसके शरीर पर ढेरों घाव थे, फिर अचानक इतनी जल्दी स्वस्थ कैसे हो गया? वो मन ही मन सोच रहे थे, तभी कुनुप्पा ने उनके विचारों में यह कहते हुए विराम लगाया, आज सवेरे सवेरे छोटी पहाड़ी से नीचे गिर गया था, काफी गंभीर चोटें आई थी, अभी जाकर कुछ आराम हुआ है। आश्चर्य की बात है, इतनी गंभीर चोट में इतनी जल्दी इंसान ठीक कैसे हो गया? तब वह कहता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, हमारे यहाँ अधिकांश ऐसी चोटों का सामना लोगों को करना पड़ता है। मैंने एक ऐसी जड़ी बूटी की खोज की है जिसको पीसकर उसका लेप लगाने से घाव कुछ ही क्षण में भर जाते हैं, और इतना ही नहीं, इसे लगाने से कैसा भी जो दर्द हो पीड़ा हो वह पल भर में गायब हो जाती है। तो क्या आप मुझे वो जड़ी बूटी देंगे? विक्रम सिंह उस जड़ी बूटी की विशेषताएं जानने के बाद ऐसा बोलने से स्वयं को रोक नहीं पाए। कुनुप्पा कहते हैं, हाँ क्यों नहीं, परंतु आपको इसकी क्या आवश्यकता आन पड़ी है? तब राजा कहता है कि जी मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है,
मेरे गांव में एक व्यक्ति है जिसके पूरे शरीर पर बड़े बड़े फफोले पड़ गए हैं। बहुत पीड़ा का सामना करना पड़ रहा है उन्हें। कई हकीमों को दिखाया गया परंतु कोई विशेष लाभ नहीं हुआ। हो सकता है इसका लेप लगाने से उन्हें लाभ मिल जाए और वे पीड़ा से मुक्त हो जाए। कुनुप्पा कहते हैं कि हाँ अवश्य ही लाभ होगा उन्हें, यह बहुत ही कारगर है। आप चिंता ना करें, मैं आपको जड़ी बूटी अभी दिए देता हूँ जिसका इस्तेमाल आप कभी भी कर सकते हैं। और राजा उनका जो आभार व्यक्त करता है। तब कुनुप्पा कहते हैं कि इसमें आभार की क्या बात है, वैसे भी आपने अभी तक ये नहीं बताया कि आपको इनाम स्वरूप क्या चाहिए। तब राजा कहते हैं कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपकी पुत्री की उदासी दूर हो गई, मेरे लिए यही सबसे बड़ा इनाम है। और वैसे भी इस जड़ी बूटी से अच्छा इनाम मेरे लिए और क्या हो सकता है। अगर इस जड़ी बूटी के असर से उनके फफोले ठीक हो गए तो मैं समझ लूंगा कि मुझे मेरा इनाम मिल गया। बहुत उत्तम विचार है आपके, कुनुप्पा ने कहा। आप जैसे परोपकारी व्यक्ति से मिलकर मन प्रसन्न हो गया। और कुनुप्पा वो जड़ी बूटी विक्रम सिंह को थमाते हुए कहते हैं, विक्रम सिंह कहते हैं कि अच्छा तो मुझे चलने की आज्ञा दीजिए। कुनुप्पा कहता है जी अवश्य, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत आभार। वो जड़ी बूटी लेकर विक्रम सिंह वहां से निकल तो पड़ते हैं, परंतु रास्ते भर इसी ऐसे मंजस में रहते हैं। पता नहीं अभी भी पिंडक जी मेरे ऊपर भरोसा करेंगे या फिर। ये विचारते विचारते वो बंकट गुफा में प्रवेश कर चुके थे और कुछ ही क्षण में उनके उस बौने के सामने खड़े थे। बौना सारी सच्चाई से अवगत होते ही जब वो जड़ी बूटी विक्रम सिंह के पास देखता है तो उसे बहुत प्रसन्नता होती है और वो भाव विभोर होने वाली मुद्रा में कहता है, आखिरकार तुमने मेरा भरोसा जीत ही लिया। इस जड़ी बूटी को लाकर तुमने ये साबित कर दिया कि तुम होनहार बुद्धिमान होने के साथ साथ एक अच्छे हृदय के भी इंसान हो। तुमको ज्ञात नहीं परंतु ये जड़ी बूटी लाकर तुमने नीलामृत पाने का अपना आधा कार्य तो स्वयं ही कर लिया है। किंतु इसी के साथ मैं तुम्हें ये बता दूं, नीला अमृत पाना इतना आसान नहीं है। इसके लिए तुम्हें एक कठिन परीक्षा से गुजरना होगा। अगर तुम उस परीक्षा में सफल रहे तो तुम्हें नीला अमृत पाने से कोई नहीं रोक सकता। वैसे यह कार्य तो मैं भी कर सकता था, परंतु वो नीला अमृत तभी असरकार होगा जब उसे प्रयोग में लाने वाला स्वयं उस परीक्षा से गुजरे। उस नीला अमृत का प्रयोग तुम्हारे द्वारा ही सार्थक होना है, इसलिए उस कठिन परिक्रिया में भी तुम्हें ही गुजरना होगा। नीला अमृत पाने के लिए मैं किसी भी कठिन परीक्षा से गुजरने को तैयार हूँ। आप मुझे बताइए कि वह कैसी परीक्षा है, क्या है इसे होकर मैं नीला अमृत तक पहुँच जा सकता हूँ। मैं आगे की स्थिति से तुम्हें अवगत कराऊंगा, बौना कहने लगा। पहले तुम्हारा एक और बात जानना आवश्यक है, इस प्रक्रिया के दौरान जरा सी लापरवाही तुम्हें मौत के गाल में ले जा सकती है, इसलिए तुम बहुत सजग होकर उस प्रक्रिया से गुजरना होगा। मैं इस चीज का पूरा ध्यान रखूंगा, राजा ने कहा। अब आप मुझे बताइए मुझे क्या करना होगा, बौना कहने लगा। ठीक है, तो अब मैं जो तुम्हें बताने जा रहा हूं उसे तुम ध्यान पूर्वक सुनो।